हे दोस्तों, मैं हूं पीयूष और स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल मोबाइल पर स्कूल में। और आज मैं आपको जैव शक्ति सिद्धांत, जो कि क्लास 10 साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सिद्धांत है और ये बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, तो आइए हम आपको बताते हैं कि जैव शक्ति सिद्धांत आखिर है क्या। इसको हम आपको एक अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं ताकि आप इसको कभी ना भूलें। तो आइए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो जैव शक्ति सिद्धांत है ये क्या होता है, तो यहाँ पर आइए हम आपको बताते हैं। देखिए, फ्रांसीसी वैज्ञानिक बर्जीलियस ने, एक फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, बर्जीलियस था। उन्होंने बताया कि संसार में समस्त कार्बनिक यौगिक, संसार में जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं उनका निर्माण केवल जीव जंतुओं द्वारा ही होता है। संसार में जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं, आर टोटली ए टू जेड जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं, उनका निर्माण केवल और केवल जीव जंतुओं द्वारा ही होता है। अर्थात जैव जगत ही कार्बनिक पदार्थों को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। अगर कोई आपसे पूछे कार्बनिक पदार्थों को प्राप्त करने का साधन क्या है, तो आप बता सकते हैं जैव जगत। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए, फ्रांसीसी वैज्ञानिक एक बर्जीलियस थे जिन्होंने बताया कि केवल और केवल जीव जंतुओं द्वारा ही कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है। और देखिए, या फिर अथवा में वही चीज़ है कि कार्बनिक यौगिकों के निर्माण के लिए जैव शक्ति की उपस्थिति अनिवार्य है। बर्जीलियस की इस अवधारणा का बर्जीलियस का जैव शक्ति सिद्धांत कहा जाता है। अब देखिए, आ सकता है ऐसे बर्जीलियस की जैव शक्ति सिद्धांत किसे कहते हैं, तो अब आप समझिए। देखिए, बर्जीलियस ने यही बताया था कि जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं उनका निर्माण केवल और केवल जीव जंतुओं द्वारा ही होता है। जीव जंतुओं द्वारा ही उनका निर्माण होता है और उसे ही हम बर्जीलियस का जैव शक्ति सिद्धांत कहते हैं। इतना आप लिखेंगे, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर भी 5 नंबर के लिए जरूर से पूछा जाएगा, तो इतना ही आपको लिखना है। आपके बोर्ड एग्जाम में आपको पूरे नंबर मिलेंगे, तो ये देख लीजिए। और बाकी बताएं दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको कहीं भी नोट डाउन कर सकते हैं। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक जरूर से कर लें, और 2022 की तैयारी के लिए आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और चैनल के साथ जरूर से जुड़ जाएँ।